नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। थाना रानीगंज में आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रशासन स्तर द्वारा महिला हेल्प डेस्क मिशन की स्थापना की गई। इसमें पीड़ितों बालिकाओं व महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। ये जनपद के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए। इसमें कई नंबर भी जारी किए गए हैं, जैसे 1076, 1090, 112 आदि। टोल फ्री नंबर जारी किया गया। इसके लिए हर थाना में केबिन की व्यवस्था की गई, जिसमें 3 महिला कांस्टेबल 8-8 घंटे 3 शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी। केबिन में सामान्य रूप से पानी की व्यवस्था की जाएगी व कागज़ और कलम भी दिया जाएगा। शासन द्वारा महिला की सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रानीगंज थाना प्रभारी मनोज कुमार तिवारी जी, महिला सब इंस्पेक्टर नीता त्रिपाठी जी, कांस्टेबल बंटी सिंह, मनीष सिंह, विनय पटेल, कृपाल सिंह, रवि सिंह, अतुल त्रिपाठी, इरफान आज पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आज अभी अभी एक पीड़िता का हमने तुरंत आज टोकन दिया है, उनके एप्लीकेशन पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराने जा रहा हूँ और कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी केबिन एक स्थापित हो रही है और ये जो अभी बन के तैयार हो जाएगी आज रात तक, और कल से आज से इनको टोकन देना शुरू हो गया है। इसका भव्य उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिया गया है। शासन स्तर पे यह स्थापना इसलिए किया गया कि बेटियों को, पीड़ितों को, महिलाओं को कहीं भटकना न पड़े। सरकार उनका उनके ये खास रिपोर्ट थी प्रतापगढ़ ब्यूरो से रमेश पासी की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।